तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले ईडी की धाराधार कार्रवाई ने कांग्रेस के खेमे में तहलका मचा दिया। प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार सुबह पेपर लीक मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के ठिकानों पर छापे मारे। ईडी की इस कार्रवाई की सचिन पायलट ने कड़े शब्दों में निंदा की है। वहीं इस पायलट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट कर कहा कि राजस्थान गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी की रेड की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव गहलोत को भी ईडी का सम्मान दिया गया है। बीजेपी इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस के नेताओं को डरा नहीं सकती। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुटता से साथ खड़े हैं। इस प्रकार की कार्रवाई से बीजेपी की घबराहट साफ दिखाई देती है, क्योंकि जनता आगामी चुनाव में राजस्थान में फिर कांग्रेस की सरकार लाने का मन बना चुकी है। आपको बता दें कि प्रदेश में ईडी की टीम डोटासरा समेत महुआ विधायक ओम प्रकाश हुडला और उनके सहयोगी राजेंद्र गुप्ता, सुभाष बालाहेड़ी, बिजनेस सहयोगियों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए। पहली बार ईडी ने डोटासरा के घर छापेमारी की है। डोटासरा इस बार सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी भी है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने सूबे में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले अहम बयान दिया है। पायलट ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें साफ रूप से कहा है कि उन्हें राजस्थान में एकजुट होकर चुनाव लड़ने की जरूरत है और हम इसका पालन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुलेट कौन चलाएगा और कॉकपिट में कौन होगा, इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा। सचिन पायलट पिछले दिनों राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए बयानों पर पूछे जाने पर सवालों के जवाब दे रहे थे। वहीं पायलट ने आगे कहा कि अशोक गहलोत जो कहा है वह उनके अनुभव के आधार पर है। आज हमारा मुख्य लक्ष्य एकजुट होकर लड़ना है और अगर कांग्रेस जीतती है और एक बार विधायक आ जाएंगे और नेतृत्व पर चर्चा करेगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा वो सभी को स्वीकार होगा। ये कांग्रेस की परंपरा रही है और गहलोत जो कहा है वो सही है। ये पूछे जाने पर कि क्या राज्य में पार्टी की जीत होने पर गहलोत फिर से मुख्यमंत्री होंगे, पायलट ने कहा भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता है। हम अतीत से अपनी सीख और अनुभव लेते हैं और उसे वर्तमान में लागू करते हैं, इसलिए नतीजों के बाद पार्टी फैसला करेगी और जो भी पार्टी फैसला करेगी वो सभी को मंजूर होगा, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या हम क्यों न हो। गहलोत के भूलो और माफ करने वालों बयान पर पायलट ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने मुझसे साफ कहा है कि हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। किसी के लिए भी अकेले लड़ना और जीतना संभव नहीं है, क्योंकि पूरा संगठन चुनाव लड़ता है। हमें आगे बढ़ना होगा और अतीत को भूलना होगा और यही समय की मांग भी है और हम वही कर रहे हैं। जब पायलट से बुलेट पूछे कि सीट पर बैठे हुए गहलोत की तस्वीर दिखाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा अब कोई तरह की गाड़ियां आ गई है। आज कुर्सी को लेकर चर्चा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि देश बहुत कठिन रास्ते पर खड़ा है। बुलेट पर कौन बैठेगा और कॉकपिट में कौन बैठेगा इसका फैसला पार्टी नेतृत्व करेगा, हम सब इसका फैसला नहीं कर सकते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।